क्या क्या हमने पढ़ा देखना चाहिए। सहन, आंगन, मनिहार, चूड़ी बनाने वाला। कौन मनिहार? यहाँ हमारे पहाड़ का मनिहार कौन है? बदलू। बदलू कलिया, चौकरी, नववधू, नई दुल्हन, अवस्था, आयु। देन 6 गुने, 4 गुने। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पगड़ी। सिर पर पहनने का वस्त्र, पहनने वाले वस्त्र। सुहाग का जोड़ा, शादी के समय पहनने वाले। वो सुहाग का जोड़ा के बारे में हमने देखा, वो चातुर्मुख। तो शब्दार्थ हमने क्या क्या देखा, देखिए एक और बार। सहन, आंगन, मनिहार, चूड़ी बनाने वाला, दलिया, टोकरी, नववधू, नई दुल्हन, अवस्था, आयु, 6 गुने, 4 गुने, पगड़ी, सिर पर पहनने का वस्त्र, सुहाग का जोड़ा, शादी के समय पहनने वाला। हियर कैन यू रीड द शब्दार्थ, देन वी कैन मूव टू क्वेश्चन। सहन, आंगन, मनिहार, चूड़ी बनाने वाला, ठलिया, टोकरी, नववधू, नई दुल्हन, अवस्था, आयु, 4 गुने, 4 गुने, पगड़ी, सिर पे पहनने वाला वस्त्र, सुहाग का जोड़ा, शादी के अवसरों, शादी के के समय समय पहनने पहनने वाला, वाला। पहनने वाला। वन मोर। अटनान, 8C, कैन यू रीड? अटनान रीड कीजिए बेटा। सहन, सहन, महान आंगन, मनिहार, सहन आंगन। एक और बार देखिए, सहन सहन आंगन। हाँ, आंगन, मनिहार चूड़ी बनाने वाला, डरिया टोकरी, नववधू, नई दुल्हन, या अवस्था आयु, अवस्था, आयु। हाँ, अवस्था आयु, 4 गुने, 4 गुने, पगड़ी, सिर पर पहनने का वस्त्र, पर पहनने का वस्त्र। वस्त्र, नेक्स्ट। सुहाग का जोड़ा, शादी के समय पहनने वाला। पहनने वाले। ओ, आपने देखा, सहन, मनिहार, बलिया, नववधू, अवस्था, 6 गुने, फगड़ी, सुहाग। ओके, क्या है मनिहार? मनिहार क्या है निकला? मनिहार माने चूड़ी बनाने वाला, बनाने वाला। वेरी गुड। 6 गुने माने क्या है अनश्वरा? 6 गुने, चार अनश्वरा 4 गुने। गुने शिवन्या क्या है? सुहाग का जोड़ा। सुहाग का जोड़ा क्या है बेटा? शिवन्या, मैम, शादी के अवसर पहने वाला, पहनने वाला। देन क्या है पगड़ी? जीवन। पगड़ी क्या है? पगड़ी कहाँ मैं सिर बांधते पैर हैं? बहने वाले वस्त्र। सिर पर पहने वाला वस्त्र। थैंक यू सो मच। देखिए बच्चा, हम मूविंग टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए, ओके? आपके बुक में लिखना, रिवीजन है, क्योंकि एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देखा था, बचपन में लेख अपने मामा के घाव चाव से क्यों जाता था? आंसर, बचपन में लेख अपने मामा के घर चाव से जाता था, क्योंकि वहां बदलो नामक मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर ऑल्सो 1 टाइम लिखिए। क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर ऑल्सो 1 टाइम। बचपन में लेख अपने मामा के घाव चाव से क्यों जाता था? क्यों जाता था? बचपन में लेख अपने मामा के घर चाव से जाता था, क्योंकि वहां बदलो नामक एक मनिहार से लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, बनाकर देता था। इसलिए मैम, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम क्वेश्चन, 1 टाइम आंसर ऑल्सो 1 टाइम।
50% ठीक है, बच्चे मोहम्मद फयाज इन योर क्लास 8ABC 8 स्टैंडर्ड मोहम्मद फयाज टीए नो राइट सो नो नो मैम नो ओके ओवर ओके टू मोमेंट्स ओके बचपन में लेखक अपने मामा के गांव छाव से क्यों जाते हैं स्टडी ओके आई विल आस्क बचपन में लेखक अपने मामा के गांव छाव से क्यों जाते ओके देखिए बच्चों आई होप यू फिनिश अलना कैन यू से द आंसर बेटा क्यों जाता था हमारा लेखक बचपन में बदलू के गांव छाव से क्यों जाता था ट्राई कीजिए मैम बदलू में लेखक अपने मामा का दर जाओ से जाते थे क्योंकि क्योंकि वहां कौन है वहां बदलो नामक एक मणिहार उसमें नहीं देखिए उसे लाके रंग बिरंगी उसे लाके रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था ओके देता था थैंक यू सो मच बेनेडिक्ट कैन यू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन चाव से क्यों जाता था बदलू उसके मामा के घर चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उस गांव में बदलू नामक एक मनिहार था मनिहार उसे रंग बिरंगे गोलियां देते था बनाकर देता था वेरी गुड सो आई एम मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन दी जीरो विजु आयरन नान कैन यू टर्न ऑन योर वीडियो माय डियर्स आई वांट टू सी यू दैट्स ओके सेकंड क्वेश्चन बदलू लेखक को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था आंसर वन टाइम क्वेश्चन आल्सो वन टाइम लेखक
बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू खाखा क्यों कहता था। बदलू को बदलू मामा नहीं बदलू खाका क्यों कहता। आंसर वन टाइम और क्वेश्चन आल्सो वन टाइम। लेखक बदलू को बदलू मामा न कह बदलू काका कहता था क्योंकि घर के सारे बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते। इजी है। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों करता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका करता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे। ओवर। नो मैम। यस मैम। हीराज ओवर। नो मैम। ओके ओके राइट। अभिनव यूज ओवर। अभिनव एक भी अभिनव ओवर। यस और नो बेटा ओवर। ओके Rudra, are you there? Rudra, Anugrah, Anishwara, I can't see you. Yes, ma'am. Ah, okay, okay. Your video is off, that's why, ma'am. Ma'am, it's not working, ma'am. Okay. Okay, one more minute, okay? For second question. ओके ईशा बेटा ट्राई कीजिए क्यों बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों करता है क्यों पुकारते हैं इस प्रकार। लेखक बदलू मामा न कहकर बदलू काका करता था क्योंकि उस गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका पुकारते थे। यस गुड वेरी गुड। आदिकेश द सेम लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका के नाम से पुकारते थे। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हमारे एग्जाम के लिए कंपल्सरी क्या है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय वो शब्द का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेना। जैसे बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता वो है वस्तु विनिमय। ये वन टाइम लिखना चाहिए। वस्तु विनिमय क्या है वस्तुओं का आदान प्रदान करना एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। जैसे बदलू लोगों से छूटियों के बदले पैसा न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया।
वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। जैसे बदलो लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान दे दिया कर। एक वन टाइम लिखना। टू मिनट्स मोर। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। जैसे बदलो लोगों से चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। पढ़ना चाहिए अच्छी तरह। ओके, क्या है वस्तु विनिमय? वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर लेकर दूसरी वस्तु, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले। जैसे हम यहाँ क्या कहता है, हमारा बदलो चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर उनका क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता का सामान वो ले लिया करता था। ओके, वो है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु देना। जैसे बदलो क्या है, बदलो चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर वो आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। ओके, सूर्य ट्राई कीजिए बेटा, क्या है वस्तु विनिमय? वस्तु विनिमय का अर्थ है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। दूसरे वस्तु लेना, बदले लोगों से चूड़ियां, चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर, पैसा न लेकर आवश्यकता का सामान देता है। देता था। गुड 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 गुड। अमी प्लीज, क्या है वस्तु विनिमय बेटा? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, एक वस्तु और दूसरे वस्तु लेते हैं, जिससे बदलो लोगों से चूड़ियों के बदले आवश्यकता का सामान लेते थे। पैसा न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता। वेरी गुड वेरी गुड। फिर मोर टू द लास्ट क्वेश्चन। मशीनी युग से, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मशीनी युग से बदलो के जीवन में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया? मशीनी युग से, मशीन युग आने से क्या चेंज आ गया? बदलो एक मनिहार था, उसकी बनाई गई लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध, दूसरे गांवों से भी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां लेने आती थी। मशीनी युग आने से कांच की चूड़ियां अधिक बिकने लगी, बदलों को अपने काम बंद करना पड़ा। लिखना चाहिए अद्वैत सिनोक। आर यू राइटिंग? स्टार्ट राइटिंग बेटा, स्टार्ट करो। अद्वैत, स्टार्ट करो, स्टार्ट राइटिंग। Are you simply sitting? Rahulgar, are you writing? Why you always your videos off, Rahulgar? If any problem is with is there with your video, you just inform your VP, okay? Okay. Ma'am, some next issue.
हाँ टिश्यू दाना उन्होंने कहा था हमसे नहीं बिकॉज इफ पीरियड इज ऑफ वी विल पुट आफ्टर विशीनी युग ये से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया बदलाव माने चेंज क्या चेंज आया बदले एक मनिहारदा उसकी बनाई लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध थी दूसरे घाव में थी घावों से भी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां लेने आती थी मशीनी युग आने से कांच की चूड़ियां अधिक बिकने लगी बदलू को अपना काम बंद करना Two more minutes. ये वन मोर मैच बच्चों Okay, time up. First time almost over. That's why. Machine yuga aane se badlo ke jeevan mein kya badlav aa gaya? Kya badlav aa gaya, Adhikesh? Try kijiye. बदलो एक मनिहार था उसकी उसकी बनाई चूड़िया चूड़िया बहुत प्रसिद्धि प्रसिद्धि दूसरे गांव से भी स्त्रिया उसकी चूड़िया उसकी बनाई चूड़िया लेने आते थे मशीनी उगाने से कांच की चूड़ियां ज्यादा अधिक बिकने लगी बदलू को अपने काम बंद करना पड़ा गुड गुड वेरी गुड बच्चे एक बात करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में ये फोर क्वेश्चन आंसर्स प्लस मीनिंग्स फट कर आना चाहिए ठीक है क्योंकि अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट है ऑल द चैप्टर्स टुगेदर लिंक करना वेरी डिफिकल्ट है ओके तो नेक्स्ट क्लास में यस यस प्रार्थना क्वेश्चंस आर फिनिश्ड सेवन पोर्शंस या ओके यस ओवर इफ एनी वन मोर चैप्टर इज देयर आई विल इन्फॉर्म ओके ओके एनीवे हमारा दीवानों की हस्ती लाख की चूड़ियां कबीर साजी एंड इज देयर ओके तो बच्चा हम गोइंग टू एंड द सेशन नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ कर आना चाहिए ओके सी यू ऑल ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू मैम